हाँ जी बोलिए। मसालेदार पिक्चर है और कहानी में एक नयापन ये है कि बाप और बेटे की कहानी है अलग अलग दौर पे, और बाप ने जब अपनी ज़िंदगी जी और बेटा एक अलग माहौल में अलग शहर में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बावजूद इसके कि दोनों के सर्कमस्टांस अलग थे, उनकी ज़िंदगी में कितनी समानता और कितनी सिमिलैरिटी है, और जो जो एक दौर में एक वक्त में गुजरा है बाप के साथ, वही अलग माहौल में वही चीज़ें बेटे के साथ हो रही हैं, एक नयापन है, एक नई चीज़ है जो इस फिल्म के अंदर है, एंड आई एम श्योर दैट ऑडियंस आर गोइंग टू एंजॉय दैट। जी, रक्त का बीज मतलब औलाद के लिए कहा जाता है, कहानी बाप बेटे की है, औलाद की है, और जो हमेशा कहा जाता है कि आगे वाली आने वाली जनरेशन जो है, जो वो हमेशा अपने बुजुर्गों से दो कदम आगे बढ़ती है, पॉजिटिव होती है, और तभी दुनिया में तरक्की होती है, वो एक फैक्टर है इस कहानी के अंदर। ज़्यादा बताऊंगा तो मतलब देखने का मज़ा नहीं रहेगा। वही है कि बाप की कहानी जहाँ ख़त्म होती है और जिस तरह से ख़त्म होती है, बेटे की कहानी मिलते जुलते हुए भी अलग है। जी, इक्वली पावरफुल है और अहम कैरेक्टर है कहानी के अंदर। जो लड़के का फेज है, मतलब बाप बेटे की कहानी है, तो जो बेटे का फेज है उसमें मेरा किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है और कैटलिस्ट है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि लड़का पूरी तरह से इस शख्स के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, और क्या क्या जो रिश्ता है दोनों के बीच में, किस किस दौर से गुजरता है, कहानी उस बारे में। अरे वो पहले ही हो चुका, लट्टू फिरा दे, तो सब लट्टू ही फिरा रहे हैं इस वक्त। म्यूजिक हैज बीन वेरी पॉपुलर, लोगों को पसंद आ रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी और पसंद आएगा उनको, और जो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इनफैक्ट जो अभी अभी गाने और खुलने वाले हैं डिफरेंट चैनल्स पे, आई एम श्योर दैट पीपल आर गोइंग टू लाइक इट।